मॉर्निंग चिल्ड्रन, आप आ रही हैं। आज मैं आपकी ड्राइंग की बुक में पेज नंबर 9 में जो क्लास है उसको बनाना सिखाएंगे। ओके बच्चों, देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है इन्होंने, टी को आधार मानकर गिलास बनाया गया है, यानी कि ये जो टी है ये आपको दिखाई दे रही है, मटेरियल में टी बनी हुई है और इसी का ये बेस है। ठीक है, इसी तरह इन्होंने ये लाइन खींची है, फिर एक लाइन ये खींची। देखो मैं आपको बताऊंगी, आप अपना एक स्केल लेना, स्केल की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर लाइनें हैं, ये लाइन से लाइन को मैच करना है इस तरीके से। ठीक है बच्चों, ऐसे करके ये है यहाँ पर, ठीक इस तरीके से पेंसिल चल, ओके इस पर इस तरीके से पेंसिल को करना है। ठीक, स्केल ले लेंगे, इजीली जल्दी हो जाएगा लाइन इसको मैच कर फुला करके इस तरीके से स्केल से। ठीक, ऐसे समझ में आ रहा है बच्चों, इसको फिर इस तरीके से मैच करते हुए चलेंगे, सर्कल बन जाएगा इस तरीके से। इस तरीके से, ओके बच्चों, ये आपका क्लास कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज पर आपको क्लास में कलर करना सिखाते हैं। तो सबसे पहले देखो, आपको मैंने बताया यहाँ पर, आपको एक मैं सिखाती भी हूँ कैसे बनाना है। पहले हमें एक टी बना ली, ठीक, छोटा सा मैम सिखा रही हैं इस तरीके से। ठीक है, फिर एक लाइन हमने यहाँ कर दी। ठीक, अब क्या करेंगे बच्चों, इस लाइन से इस लाइन को मैच करेंगे, ये हो गया। अब इस लाइन से इस लाइन को मैच करेंगे, ये बन गया। ठीक है, अब ये जो है एक्स्ट्रा लाइन इसको रेज कर देंगे और फिर यहाँ पर हम हाफ सर्कल करेंगे इस तरीके से। ओके बच्चों, इसी तरीके से हम यहाँ पर करेंगे ऐसे। ठीक, अब ये क्या है, कॉर्नर निकले हुए हैं, इनको भी हम पूरा इस तरीके से गोल कर देंगे इस तरीके से। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है ना, ऐसे आपको ये ग्लास बनाना है। जब भी आप बनाएंगे आप ऐसे ही बनाइएगा, आप खुद कोशिश कीजिएगा, जब आप खुद कोशिश करेंगे तो आपको बनाना आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर हमने ग्लास ड्रॉ किया है, अब इसमें आपको कलर करना सिखाएंगे। फर्स्ट कलर कौन सा है, वॉलेट कलर, यानी कि पर्पल कलर, बैगनी कलर। देखो ये रहा, दिखाई दे रहा है सबको, तो ये हमें क्या करना है, इसकी स्केच में करना है। ठीक, इस तरीके से, इस तरीके से हम कलर्स को पकड़ते हैं। देखिए मैडम ने किस तरीके से कलर को पकड़ा हुआ है, प्रेशर नहीं देते कलर्स के ऊपर, कलर टूट जाते हैं इस तरीके से। साइड से हम बहुत स्लोली वर्क करते हैं और मिडल में फास्ट कर देते हैं इस तरीके से। ओके बच्चों, देखिए ठीक, जहाँ से ये पेज दिखा हुआ है वहाँ पर आप दोबारा से कलर को कर देंगे, ये हो गया। अब हमारा क्या है, स्काई ब्लू कलर, कौन सा कलर है बच्चों, स्काई ब्लू है ना। अब इस कलर को हम यहाँ पर करेंगे नीचे के पार्ट में। ओके, आप वैक्स कलर भी यूज़ कर सकते हैं, पेंसिल कलर भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी चॉइस को डिपेंड करता है। ठीक, कलर का भी आप, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैम ने कलर लगाया है वही कलर आप लगाएं इसमें, लेकिन जब बुक में बना रहे हैं तो आप इसी कलर का यूज़ करेंगे और आप अपनी फाइल पर जब बनाएंगे तो आप कोई भी कलर का यूज़ कर सकते हैं। ओके बच्चों, ठीक है, समझ में आ रहा है ना किस तरीके से करना है आपको, इस तरीके से कलर करना है इस तरीके से। ओके बच्चों, ये इस तरीके से कलर करना है आपको, धीरे धीरे स्लोली स्लोली इस तरीके से। समझ में आ रहा है सबको किस तरीके से कलर करना है, देखिए मैम कैसे कर रही है तरीके से, मिडल में हम लोग फास्ट कर देंगे। देखिए मैम ने फास्ट कर दिया मिडल में, इस तरीके से फास्ट करते चलेंगे इस तरीके से। ठीक, इस तरीके से पास करेंगे, ये हो गया, ये भी मिडल में भी, इसका नीचे का जो पार्ट है इसको भी हमें इसी कलर से कर देंगे।
ओके बच्चों, सबको समझ में आ गया कैसे करना है क्लास में तुम्हें? ठीक है, आपके ड्राइंग सीट पे भी आपको ये ड्रॉ करना है, लेकिन आप खुद करेंगे, आप अपनी मदर से नहीं बनवाएंगे। आपको स्केल, आप स्केल्स मैम सीखेंगे, आपके घर में जो भी बड़े हैं आप उनसे स्केल से बनाना सीखेंगे। किस तरीके से आपको स्केल को रख करके इसको बनाना है ग्लास को, ओके बच्चों? जैसे मैम ने अभी यहाँ पर बनाना भी सिखाया था ना आपको, किस तरीके से आपको करना है, ठीक, इसी तरीके आपको जैसे मैम ने बताया है इसी तरीके से आप अपनी ड्राइंग फाइल पर कंप्लीट करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, गुड बाय।